ये वो प्रोडक्ट हैं जिनको कुछ सालों पहले हम ऑटो एक्सपो में देखा करते थे आज की डेट में वो इंडिया के अंदर लॉन्च हो रहे हैं ये है जॉन्टिस का एक प्रोडक्ट इसको बोलते हैं थ्री फिफ्टी आर टू बी स्पेसिफिक बात करूं तो ये 348 फोर्टी का इंजन है जो कि प्रोड्यूस कर देता है 38 एट का पावर और इन सब चीजों को मिलाने मिलूने के बाद जो निकलता है ना इसके टॉर्क वो है थर्टी टू पॉइंट ऑफ टॉर्क ये मोटरसाइकिल दे देती है स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं दिखाना देता हूँ क्या तो स्टाइलिंग है पीछे से स्टार्ट करो यार क्या तो लेटेस्ट और क्या तो ख़तरनाक मोटरसाइकिल बनाएंगे थ्री फिफ्टी सी के अंदर जब हमारी जो ऐसी कंपनीज़ है जिनको कि हम कहते हैं कि भैया अच्छे डिज़ाइन आए इंडिया के अंदर तो चलेंगे वो लोग ऐसी चीज़ें क्यों नहीं सोच पा रहे हैं समझ नहीं आ रही तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं विंग टाइप इसका इंडिकेटर का डिज़ाइन है विंग्स टाइप से ये कि ये डाउन फोर्स भी क्रिएट करेंगे बट ये फंक्शनल नहीं है ये सिर्फ दिखाने के लिए नंबर प्लेट स्पेस यहाँ पे आ गया टर्न इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ही स्लिम और स्लीक से हैं इनके सभी मॉडल्स के अंदर ये जो टर्न इंडिकेटर्स है ना बहुत काम किया गया है डिज़ाइन पे नो no डाउट ये तो बात है फिर ये आपका आ गया एक मधगार्ट एक छोटा सा मद फ्लैप इधर की तरफ है ये जो टेल लाइट है अगर इसको नीचे से देखा जाए क्या लग रहा है थ्री फिफ्टी सी की मोटरसाइकिल लग रही है ये लग रही है बहुत महंगी मोटरसाइकिल तो यहाँ से ये बिल्कुल फ्लैट है बिल्कुल जैसे एक स्पोर्ट्स बाइक के अंदर होता है यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि इस वाले व्यू को ढकेगी तो ये पीछे से अगर देखे ना इसको उस वाले पोर्शन से तो ये सुपर स्पोर्ट्स कैटेगरी के अंदर लीटर क्लास जो बाइक्स होती हैं उसके अंदर चला जाता है यहाँ पे ठीक है लाइट पूरी पूरी यहाँ तक जा रही है और ये वाली यहाँ तक जा रही है जैसे ही मैं इसकी ब्रेक करूंगा ना तो ये बीच वाला जो है पोर्शन ये लाइट अप होगा सेक्सी चीज बनाइए ना ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगा अब जैसे इसके रिम्स हैं तो रिम्स भी काफ़ी हैवी ड्यूटी मोटे मोटे रिम्स इसके अंदर डाले गए हैं उस रिम को भी सिंगल पेंट नहीं है डूबल शेडेड पेंट है बेसिकली ये पेंट तो ब्लू ही है इसके ऊपर जब मशीनिंग वर्क होता है ना तो उसको ऐसे करके घिस दिया जाता है तो ये अंदर का जो आप एलमिनियम देख रहे हैं ना ये बाहर आ रहा है पेंट ब्लू है इसके अंदर लेकिन लग कितना क्रिस्प रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है ये इस टाइप का कुछ स्विंगाम है इसके अंदर नॉर्मल स्विंग आम नहीं है जो कि नॉर्मल हम मोटरसाइकिल्स के अंदर देखते हैं बड़े बड़े डिस्क हैं डुअल ए है और भी इसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ यहाँ पर जो है ये डुअल एग्जॉस्ट टिप ये चीज़ बहुत ही बढ़िया है बट जैसे हर एक चीज़ के अंदर पॉइंट ऑफ इंप्रूवमेंट होते हैं तो यहाँ पे जो है इसके जो टिप हैं ये दिख रहे हैं बाहर की तरफ है बट लग तो अभी अभी के स्नैरियों के अंदर तो ये चीज़ें सुंदर ही लग रही हैं ये देखिए फुटपैक्स जो है वो भी रबर और कुछ इस टाइप की इसकी क्वालिटी है कट कट के जो साउंड आते हैं ना ये चीज़ अच्छी लगती है फिर यहाँ से जो है ना ये और जो पोर्शन है इसके अंदर एच ऐसी एक्चुअली ये ए का पार्ट है लेकिन इससे जो है लुक में कितनी ज़्यादा इन्हेंसमेंट हो गई है ना तो ये चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है यहाँ पे सिंगल यूनिट है सिंगल सिलेंडर यूनिट है ये 348 सीसी की और कुछ इस टाइप का इसका इंजन दिखता है लिक्विड कूल्ड है तो यहाँ पे अगर देखोगे आगे तो रेडिएटर है उसके बिल्कुल नीचे यहाँ पे इंजन बैले स्टार्ट हो जाता है है तो ये भी खैर फाइबर या प्लास्टिक का लेकिन है तो सही इंजन बैले और वैसे भी अगर आप इतनी ऊपर चोट खा लोगे तो वैसे ही बहुत सारी बाइक डैमेज जाएगी ये सब चीज़ें तो सिर्फ थोड़ा सा बॉडी पोस्चर और बाइक के करेक्टर बिल्ड करने के लिए होती हैं आगे से अगर इसको देख रहे हो तो यहाँ पे अपसाइड डाउन फोक्स है ये चीज़ मुझे बहुत ही अच्छी लगती है नॉर्मल फोक्स वग़ैरह अब अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये थोड़े से मस्कुलर भी होते हैं और परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छे होते हैं लुक भी थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं थ्री फिफ्टी सी सी कोई बहुत तेज़ चलाने के लिए तो लेगा नहीं लेकिन वो भी लोग ले सकते हैं इसको जो कॉलेज स्टूडेंट हैं सुंदर कितनी है ना ये चीज़ एक फैक्टर पड़ता है आगे से बड़ी डिस्क है ये इसकी ए वी प्लेट हो गई और इस टाइप का इसका कुछ व्हील है आगे यहाँ से अगर मैं इस तरफ चलूँ तो ये फ्रंट फेंडर है जो कि भूसा की तनाई काफ़ी आगे तक जा रहा है यहाँ तक जा रहा है ये इसकी अपनी एक इंडिविजुअल स्टाइलिंग है भूसा के अंदर भी आपने देखा हुआ है भूसा सुजुकी में जो बहुत आगे चला था इसका भी बहुत आगे जा रहा है बट ये बुरा नहीं लग रहा है अच्छा लग रहा है शॉर्ट भी होता तो भी अच्छा लगता लेकिन लॉन्ग है तो भी अच्छा लग रहा है फिर जी इसके अंदर ये इंटीग्रेटेड एल आपके टर्न इंडिकेटर्स आ गए इंटीग्रेटेड है हेजार्ट सिस्टम मैंने ऑन किया हुआ है आपने प्रीडेटर मूवी देखी होगी आर्नोल्ड की उसके अंदर जो प्रीडेटर आते थे ना कुछ इंस्पिरेशन लग रही है यार वहाँ से ये प्रीडेटर डिज़ाइन लग रहा है एलईडी ई डी हेडलैम्प से लैस है दोनों एलईडी ई हैं और ये डी आर एल है आजकल की जो लेटेस्ट बाइक्स है ना उनमें किसी के अंदर भी हेलोजन बल्ब का यूज करते ही नहीं है लोग छोड़ दिया हेलोजन बल्ब चली गई पुरानी बात अरे ये जो जस, ये जो इसका जो ये वाला पोर्शन है कितना कि क्रिस्प है सामने से एर आई और निकली लेकिन बहुत ज़्यादा एरोडाइनमिक नहीं है क्योंकि उसके ऊपर ये कंसोल भी आ जाता है तो यहाँ पे अगर ये कंसोल दिखाऊँ मैं छोटी सी स्क्रीन क्यूट सी स्क्रीन है कुछ इस टाइप की और सबसे अच्छी चीज़ मैं बताता हूँ इन बाइक्स के अंदर कि ये जो बाइक्स है ना इनमें चाबियां लगाने की जरूरत ही नहीं है अब आप सोचो कि मेरे पास इसकी चाबी कहाँ है मेरे पास चाबी नहीं है इसकी चाबी मैं दिखाऊँ कहाँ है यहाँ आ जाओ इधर तो फ्यूल फ्यूलिट जैसे मैं खोलूंगा ना फ्यूल फ्यूलिट भी इसका बटन से ही खुलता है ये बटन और ये फ्यूल लिट खुल गया ये कुछ इसकी की है ये एक रिमोट है जो कि की, की का काम करता है इसको आपको सिर्फ पेंट में रख लेना है वॉलेट में रख लेना है छोटा सा है बहुत बड़ा भी नहीं बनाया की फॉप कि बहुत बड़ा सा बना दिया हमने इसको रख रखा है यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर चाबी की ज़रूरत नहीं है अब जैसे कि ये वाला जो फ्यूल का मैंने बटन दिखाया आपको ऐसे ही नीचे जो है ये सीट का बटन है सीट दबा दी तो यहाँ से ये सीट ओपन हो जाएगी कहीं पे भी कुछ चाबी नहीं लगानी कुछ चेन नहीं खींचनी कोई तार नहीं खींचनी सारी चीज़ें बिल्कुल टेक्नोलॉजी के हिसाब से बना रखी है यहाँ पे जो है ये हिजार्ट के लिए बटन है ये आप देख रहे हैं तो सेट और मोड है ये टर्न इंडिकेटर हॉर्न आ गए इस टाइप का हॉर्न है यहाँ अप एंड डाउन और आगे जो है डिपर का एक इंडिविजुअल बटन दे रखा है इस तरफ देखते हैं तो ये है इसका एक्चुअल में जो स्टार्टर बटन है अब मैं इसको अगर ऐसे करके प्रेस करूँगा ना तो देखो ये बाइक लॉक हो जाएगी ये वायरलेसली की लेसली ये लॉक भी हो जाती हैं और ये अनलॉक भी हो जाती हैं क्योंकि हमने पहले देखा है ना कि भैया की लेस तो है मोटरसाइकिल लेकिन आपको उसका जो हैंडल अनलॉक करना है ना वो आपको की लगा के करना है बट इसमें ऐसा नहीं है इसके अंदर जो बाइक है वो आपकी अनलॉक हो जाएगी विदाउट की जैसे कि अगर मैं ये वाला बटन को प्रेस करूँ एक बारी और ये जो है कट की आवाज़ आती है इसमें और ये जो है लॉक खुल गया हैंडल मेरा अनलॉक हो गया है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बेसिकली ये चीज़ जो इसका मीटर है ना ये बहुत आउटस्टैंडिंग चीज़ है एक बार इसको जरा जूम करके दिखा दो बहुत गंदी वाली धूप में हम इस वक्त बहुत तेज़ धूप में और उस वक्त भी अगर मैं इसको ऑन करता हूँ इसका इग्निशन तो ये देखना जरा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है क्या तो शानदार तरीके से आता है जॉन्टेस लिखा हुआ यहाँ पे और ये बिल्कुल फ़ोन लगा रखे हैं इन्होंने स्मार्टफोन्स लगा रखे हैं नॉर्मल वाली एल नॉर्मल वाली एल ये नहीं है ये एल स्क्रीन है काफ़ी प्रीमियम जो हम गाड़ियों के अंदर देख रहे हैं ना जो उनके इंफोटेनमेंट सिस्टम बने होते हैं थोड़ा सा डल लेकिन रात को वो बहुत ज़्यादा क्रिस्प एंड क्लीन दिखेंगे फिर इसके बाद जो उसके कंट्रोल्स हैं वो कुछ ऐसे है कि यहाँ पे ये यह इग्निशन स्विच आ गया है यहाँ पे ईको मोड आ गया ईको पे जैसे करूँगा देखो ई आ गया वैसे ये बाई डिफ़ॉल्ट स्पोर्ट्स पर रहेगी जैसे ईको को बटन दबाया वैसे यहाँ पे ये यह ई आ गया फिर यहाँ पे है हेडलाइट के स्विचेस और इसके बिल्कुल नीचे सेल्फ का बटन अब ये न्यू टाइप की बाइक्स में ना मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगती है कि ये कहते हैं कि भैया अपने राइडर कंफर्ट के हिसाब से चला चल चलाएगा ठीक है हमारे हिसाब से नहीं चलाएगा तो उसमें क्या करते हैं ये जो लीवर है ना इसको भी एडजस्टेबल बना देते हैं देखो अपने हिसाब से इसको टाइट करो अपने हिसाब से लूज़ करो ऐसे ही ब्रेक में भी है और ऐसे ही इसके इधर भी है आप थोड़ा सा इसको टाइट या फिर लूज़ कर सकते हो अपने ज़रूरत के हिसाब से फिलहाल ये जो चीज़ है हमारे सामने ये एक न्यू लेवल की न्यू जनरेशन की मोटरसाइकिल है काफी क्यूट लगती है एक बार इसका ये वाला पोर्शन भी दिखा दो से आगे तो रेयर में जो है ना इसके मोनोशॉक सस्पेंशन दी हुई है ये चीज अच्छी लगती है यार मोनोशॉक सस्पेंशन होनी चाहिए बजाय वो आप दो, दो शॉकर्स स्प्रिंग लोडेड गैस चार्ज वो सब चीजें पसंद नहीं आती देखो ये सब चीज़ें भी ना नॉर्मली डिज़ाइन नहीं है ये जिसने भी डिज़ाइन करी है काफ़ी सोच समझ के डिजाइन करी है इनफैक्ट कि इसका जो रेयर जो स्पॉकेट है वो तक क्योंकि इसके अंदर दो तीन वेरियंट हैं जहाँ पे कि चमक रहे हैं अच्छे लग रहे हैं एंडी एंडी टाइप लग रहे हैं चलो उसको स्टार्ट करते हैं मोटरसाइकिल को कि एक्चुअली है कैसा थ्री टू वन न्यूट्रल पे और स्टार्ट ऐसे करके ये कुछ स्टार्ट हो जाएगी सिंगल सिलेंडर यूनिट है ना तो सिंगल सिलेंडर वाला इसमें साउंड है बट अगर इसको मैं थ्रॉ देता हूँ तो ग्रेट ग्रेट अच्छा ऊपर बैठ के ये वाले एंगल से दिखाओ ऊपर बैठ के जो राइडर को फील आएगा ना वो देखो ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई 350 सीसी बाइक है ऐसा लग रहा है मैं कोई बहुत तगड़ी एक इम्पोर्टेड और मस्कुलर मोटरसाइकिल के ऊपर बैठा हूँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का उसको फील आएगा सामने से क्योंकि एक तो डिजिटल स्क्रीन यहाँ आ गई इतने सारे कंट्रोल जहाँ आ गए इतने सारे कंट्रोल आ गए, सा गए ये कॉमन चीज़ें तो लगी ही नहीं रही जो हम अभी तक देख रहे हैं जो कि और लोग करने की कोशिश कर रहे हैं ये कॉमन बटन्स नहीं है ये बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ बटन्स हैं जैसे कि ये जो है इसका मिरर ये अगर आगे से देखोगे तो बिल्कुल ही अलग टाइप का है इसको आपको एडजस्ट करने के लिए यहाँ से एडजस्ट कर लो यहाँ से एडजस्ट कर लो बिल्कुल अलग टाइप के मिरर है क्योंकि बाइक बहुत ही खूबसूरत है तो उसकी रोड प्रेजेंस तो प्रेजेंसैंड होगी ही ये जो मोटरसाइकिल है ना सीरियसली खड़ी होने के बाद में भी और बैठने के बाद तो बहुत ही सेक्सी लग रही है एक बार अगर इसकी रोड प्रेजेंस दिखा ज्यादू तो दूर से घुमा के तो कुछ ऐसी सी है रेयर से देखोगे इसको ना मजा आ जाएगा वाह जैसे अगर मैं इसको टर्न कर रहा हूँ वैसे ये ऑफ़ रोडिंग का है ग्राउंड बट ये स्ट्रीट बाइक है लेकिन फिर भी अगर देखा जाए इसको इसका जो इम्प्रेशन है जाने का आने का राइट right साइड से लो एक बारी कैमरा इसका जो इम्प्रेशन है जाने का आने का रुकने का वो बहुत ही इम्प्रेसिव है तो ये जो बाइक है ना ये आज की डेट में लॉन्च हो गई है काफ़ी इम्प्रेसिव सी लग रही है क्यूट सी लग रही हैं अच्छी सी लग रही हैं प्यारी सी लग रही हैं इसका और भी एक टेस्ट रिव्यू हम करने वाले हैं इसके नाम इसकी टेस्ट राइट लेंगे स्टेट ट्यून हमसे जुड़े रहो अगर मैंने आपका दिल छू लिया तो आप भी सब्सक्राइब बटन छू लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसका टेस्ट राइट वीडियो होने वाला है